पंचायत और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को चयन और उन्हें जीत दिलाने के लिए कांग्रेस जुट गई है। वहीं चुनावों में ज्यादा लोग कांग्रेस विचारधारा की जीत कर आए, इसके लिए काम करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कार्यकर्ताओं को आज से ही पंचायत और नगर निकाय चुनावों में जुटने के लिए निर्देश दिए गए हैं और साथ ही ये तय किया गया है कि एक पद के लिए एक ही कांग्रेस विचारधारा का उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए ताकि कांग्रेस के विचारधारा के उम्मीदवारों को जिताया जा सके। और जो स्थानीय निकाय के म्युनिसिपल कमेटीज वगैरह के जो चुनाव हैं उसके लिए आज से प्रिपेयर होने के लिए हमने कहा है, तैयार रहने के लिए कहा है, रणनीति बनाने के लिए कहा है और ये कहा है प्रभारी और ब्लॉक प्रेसिडेंट और वहाँ के स्थानीय जो हमारे वेलविशर्स हैं, नेता हैं, वो आपस में जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर ये तय करेंगे कि किस पोस्ट के लिए, किस पद के लिए, चाहे वो प्रधान का पद है, चाहे उप प्रधान का पद है, चाहे पंच का है, चाहे जिला PDC का है, चाहे जिला परिषद का है, उसके लिए वो नामों का चयन करेंगे आपस में विश्वास लेकर, ताकि हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि ये सिंबल पर तो होने नहीं है चुनाव, पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे जो विचारधारा के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आए और उनमें कोई कष्ट ना हो। राजेंद्र जार ने कहा कि आगामी 15 दिनों में हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार को घेरने के लिए प्रयास किया जाएगा और इसके तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य को भी जनता तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। वर्तमान जो हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं और जो सरकार की तरफ से क्या किस तरह की कार्यप्रणाली है उस पर प्रकाश डालने के लिए और जो हमारे सामाजिक जो हमारे पहलू हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इन 15 दिनों में अपने अपने हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये सारी बातों से अवगत करवाएगी। तो जो हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो जिला स्तर के हैं, चाहे ब्लॉक स्तर के हैं, उनके लिए भी मैंने अपनी तरफ से निर्देश दिए हैं कि वो ब्लॉक जिला स्तर के भी और ब्लॉक स्तर के भी डिपार्टमेंट्स की जो गठन है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। राजेंद्र जार ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज के समय में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होकर रह गई है और सरकार को किसानों और जनता की कोई परवाह नहीं है। जार ने कहा कि 2022 में कांग्रेस को जीत दिलाने के साथ हमीरपुर जिला में भी 500 सीटों पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस आज से ही जुट गई है। आपने देख लिया कैसे एक कृषि कानून लागू हुआ, फसलों की जो पैदावार है, किसानों की पैदावार, जैसे मक्की यहाँ की सबसे अहम फसल है, तो मक्की जो सरकार का न्यूनतम मूल्य पीछे तय किया गया था वो था 1725 रुपये पर क्विंटल और आज 800 रुपये में कोई नहीं उठाने को तैयार है। यह सरकार तो पूरी तरह, जहाँ तक कृषि बिल का सवाल है उसको लेकर पूरी तरह इनके आगे जो पूंजीपति हैं और कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनके ऊपर उनके सामने सरेंडर कर, वो हम उसको 5 का करें, 5 की 5 सीटें हमारे कांग्रेस पार्टी को मिले, ऐसा हमारी तरफ से जोर रहेगा और उसके लिए हम अपनी रणनीति भी बना रहे हैं, उसके ऊपर कार्य भी कर रहे हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है और
और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश लखनपाल, ब्लॉक अध्यक्ष हमीरपुर सुरेश पटियाल, ज्योति खन्ना, देवीदास शहनशाह, अजय शर्मा इत्यादि मौजूद रहे।